नमस्कार दोस्तों, वीडियो में स्वागत है। मैं वीडियो में आज दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आप क्लेम 31 क्लेम 31 का यूज़ करके अपने पीएफ का पैसा निकलवा सकते हो। और यहाँ पर जो है आपको रीज़न जो है एडवांस क्लेम फॉर आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक यानी कोविड-19 वाला जो है रीज़न डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइट्स है इस साइट्स का लिंक मैं बॉक्स के जो कमेंट बॉक्स है उसके नीचे भी दे रखा है। कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ये लिंक जो है मेंशन किया है। तो ये जो ऊपर वेबसाइट है यूनिफाइड पोर्टल है mem.epfindia.gov.in मेंबर इंटरफेस, तो ये जो वेब एड्रेस है ये ईपीएफओ का वेब एड्रेस है। और ये वेबसाइट जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन नंबर के लिए है। यहाँ से आप यूएन और पासवर्ड डालकर और कैप्चा कोड डालकर अपना साइन इन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड याद होना चाहिए, उससे पहले आपका यूएन एक्टिवेटेड भी होना चाहिए। ये लोग वही वो लोग कर सकते हैं जिनको जो जब आपका यूएन एक्टिवेटेड होगा, यूएन एक्टिवेटेड होने के बाद ही आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यूएन नंबर डालते हैं, ये जो है पहले से मैंने डाल रखा है। तो अपना यूएन पासवर्ड डाल के यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड एंटर करेंगे, ई स्मॉल में जे बड़े में के 1 और स्मॉल में 5 ई के 1 स्मॉल में 5 ई जे के 1 स्मॉल में 5। यहाँ से हम इसको साइन इन कर लेंगे। थोड़ा सर्वर बिजी है, एक बार मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ, फिर से मैं एक बार एंटर कर लेता हूँ। नंबर 7 के वाई वी और एल, ये मैंने खोल दिया। यहाँ से जो भी इन्फो है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप देखते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ क्लेम फॉर्म 31-19-10C and 10D, लेकिन हमको क्लेम फॉर्म 31 के बारे में डालना है क्योंकि वीडियो आपको क्लेम फॉर्म 31 के बारे में ही बताएगी। मैं भी यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31 से डालूंगा। तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन अलग अलग ऑप्शंस का अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो आज मैं बताऊंगा क्लेम फॉर्म 31 के बारे में। इसको मैं क्लिक करता हूं, नीचे जो है डिटेल्स आ जाती है। यहां पे मैं अपना अकाउंट नंबर मेंशन करूंगा। अकाउंट नंबर पूरा डालने के लिए पूरा डालना पड़ेगा, पहले शुरू में क्या था 4 डिजिट डालने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ अकाउंट का अपना पूरा नंबर डालना पड़ेगा। तो ये वेरीफाइड होना है क्योंकि चेक बॉक्स आ गया था यहाँ पे। वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म करेंगे। अब नीचे जो है इस वाले आई वांट टू अप्लाई फॉर, ऊपर मोबाइल नंबर है, नीचे यूनिवर्सल नंबर है यूएन नंबर, इसके नीचे मेरा नाम है, सबसे नीचे पैन नंबर का मेंशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन है और यहाँ पर है आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसमें लिखा है कि योर प्रीवियस क्लेम इज पेंडिंग ऑलरेडी, प्लीज़ ट्रेस क्लेम स्टेटस। तो ये जो है ये मेरा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने क्लेम फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखा है। तो मैं यहाँ से भी आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ कि जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पीएफ क्लेम फॉर्म पे, तो एक नीचे की तरफ कुछ डिटेल्स और डालने के लिए बोलेगा। उस डिटेल्स में क्या क्या होगा, उस डिटेल्स के अंदर क्या होगा वो मैं आपको इमेज के थ्रू बता देता हूँ। तो ये जो फॉर्म है ये बाद में इस तरह से खुल जाएगा। वहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं बाकी प्रोसीड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक क्लेम फॉर्म ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस इमेज के थ्रू बता सकता हूँ कि अगर मैं क्लेम फॉर्म नहीं डालता तो मेरा ये बाकी का इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आ जाता। तो
ये है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, पर्पस फॉर विच। तो एंड के वीडियो में आप देखेंगे कोविड 19 वाला जो सेक्शन है जो मैंने बताया था सबसे शुरू में, वो आप उस रीजन को डालेंगे, कोविड 19 वाले रीजन को यहाँ पे डालोगे। नीचे के वाले कॉलम में, नीचे वाली फील्ड के अंदर, इस फील्ड में आप डालेंगे अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, की जिस अमाउंट को आप निकालना चाह रहे हैं उतनी अमाउंट आप इस फील्ड के अंदर डाल देंगे। नीचे एम्प्लॉय एड्रेस, यानी कि जो आपका होम एड्रेस है, जो आधार कार्ड पे जो मेंशन है या जो केवाईसी करने के दौरान जो आपने डॉक्यूमेंट्स में लगाए, वो एड्रेस इस वाले फील्ड में डालना है आपको, क्योंकि एम्प्लॉय एड्रेस पे वही एड्रेस लिंक होगा जो आपने केवाईसी के दौरान एड्रेस प्रूफ में डाला था। तो इस एड्रेस में अपना घर का एड्रेस डाल सकते हैं। घर का एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक और पासबुक। यहाँ पर जो आप कॉपी और चेकबुक और पासबुक करेंगे डालेंगे, तो ध्यान रखिए कि इस वाली चेकबुक और पासबुक पर जो है आपका चेकबुक और पासबुक पर 100 KB और 500 KB का साइज जो है सपोर्टेड होना चाहिए, JPG और JPG फाइल होनी चाहिए, और उसके ऊपर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम शुड बी विजिबल होना चाहिए चेक या स्कैंड इमेज पर जो कि रीडेबल होगा। इस पर डालने के बाद आप जो है नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप आधार कार्ड के नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर जो है ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड हो जाएगा, और उस ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे क्लेम फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं। नीचे ओटीपी मांगेगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर वो ओटीपी चला जाएगा, ताकि ये जो आपने आधार कार्ड यहाँ पे अटैच किया था वो वेरीफाई हो जाए कि आधार कार्ड आपका ही है। तो जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा वो उस आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालने के बाद ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे नीचे की तरफ, इससे नीचे अपलोड स्कैन कॉपी और चेक बुक्स डालने के बाद नीचे की तरफ ऑप्शंस आएगा, वहाँ पे डालने के बाद सबमिट करेंगे और वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये था वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक दिखाने का माध्यम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने ट्रैक जो क्लेम आपने डाला है उसके स्टेटस को ट्रैक करें किस तरह से करेंगे। ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुभ हो। यहाँ पर मैं उसके बाद में थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आधार ओटीपी, इस तरीके से आपके पास आधार ओटीपी आएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे आप पासबुक का या स्कैन कॉपी का अपना चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद नीचे की तरफ एंटर ओटीपी डालेंगे। ये ओटीपी कब आएगा, जब आप यहाँ पे ओटीपी सेंड करेंगे उस मोबाइल नंबर पर जो कि UDI के साथ, UIDAI के साथ जो है रजिस्टर्ड है। यहाँ पर हम ओटीपी सेंड करेंगे, उस ओटीपी को इस आधार ओटीपी वाले के लिंक, आधार ओटीपी वाले के साथ एंटर करेंगे और वैलिडेट कर देंगे ओटीपी और सबमिट कर देंगे क्लेम फॉर्म को। तो ये था कि आप अपने मोबाइल से भी SPF को निकाल सकते हैं। तो जरूरी बात है कि जो नंबर पर आपका PF खाता है वही नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, अगर दूसरा नंबर होगा तो आपको OTP नहीं मिलेगा, यानी कि आपको उस OTP को, उस वाले मोबाइल नंबर को आपको क्लेम फॉर्म में डालना पड़ेगा या PF के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा जो OTP आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, क्योंकि जब आप OTP सेंड करेंगे वो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और किसी और नंबर पर आएगा, किसी नौ नंबर के साथ OTP जो है आधार कार्ड लिंक है और आपने उस वाले नंबर को इस वाले PF में अकाउंट में नहीं डाला, PF वाले अकाउंट में नहीं डाला, तो वो OTP उस वाले मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, तो आपको OTP नहीं मिल पाएगा। वो OTP आप उसी नंबर पर भेजना जो नंबर आपने इस वाले PF अकाउंट में रजिस्टर किया है, और वो जो वही OTP आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, यानी दोनों चीज़ होनी चाहिए, वही नंबर आपको आधार कार्ड के साथ लिंक भी होनी चाहिए और वही सेम नंबर आपको इस वाले PF अकाउंट में देना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, तभी आप PF क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।